जय श्री कृष्ण फ्रेंड, आज मैं ठाकुर जी के लिए इस तरह मोती की पाक बनाना बताऊंगी। ये सिंपल पाक में से हेवी पाक कैसे बनाते हैं और ये आपको बहुत ही सुंदर लगेगी और ये पहनाने के बाद लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर दिखेगी। तो चलो हम इस तरह पाक बनाना बताते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम इस तरह एक सुंदर सी पाक बनाना बताते हैं। तो इसी पाक आप कोई भी उत्सव में पहना सकते हैं और यही भी पोशाक के साथ ये बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पाक बनाने के लिए मैंने इस तरह ये 2 mm का ये प्लास्टिक जो पारी आती है वो ली है मैंने, और ये मैंने 4 mm की ली है, और मैंने ये सबसे छोटी साइज 0 नंबर की आती है वो मोती लिया है। ये ऑफ वाइट मोती है। तो चलो हम पाक को डेकोरेशन करते हैं। तो इसमें मैंने ये सबसे जो पतली सुई आती है वो ली है, ये बिल्कुल एक तार की तरह होती है इस तरह, और ये मैंने ये जो पतला हमारा सिलाई मशीन में जो हमें इस तरह का धागा यूज करते हैं वो लिया है मैंने, वाइट धागा कॉटन का। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह मैंने ये पाग ली है, ये मैंने प्लेन ली है क्योंकि मोती इसमें अच्छा लगता है। इसमें लेस वाली भी मिलती है लेकिन इसमें ज़्यादा इनका डेकोरेशन नहीं आता और ये बहुत ही अच्छी दिखती है, प्लेन है इसलिए। तो पहले हम यहाँ से सुई लेंगे। इस तरह और फिर हमें ये जो हमने छोटे वाले मोती लिए थे वो लेने हैं, ये 0 साइज के। इस तरह हमें यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बनानी है। तो इस तरह हमें यहाँ तक इसे एक साथ मोती लेने हैं और फिर हम यहाँ से ऐसे नीडल लेंगे। इसे फिर हमें 3 मोती लेने हैं। अब हमें हर बार 3 मोती लेने हैं और जो ये आगे के मोती है उसमें से हम 2 मोती छोड़ देंगे और आगे के मोती के बीच में से इसे निडल लेंगे। हमें मोती में नहीं लेनी है, सिर्फ धागे में ही निडल लेनी है। हर बार हमें 2 मोती छोड़ना है और जो हमारा ये पहला मोती है उसमें से रिटर्न लेंगे। इस तरह सॉरी फ्रेंड, हमें ये 2 मोती छोड़ के आगे के तीसरे मोती में से इस तरह निडल लेनी है, धागे के बीच में से नहीं लेनी है, हमें सीधे तीसरे मोती में ही निडल लेनी है। तो इसी तरह हम आगे भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, 3 मोती लेकर 3 मोती और ये 2 मोती छोड़ के आगे के ये तीसरे मोती में से निडल। तो इसी तरह हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। तीन मोती और ये 2 मोती छोड़ के आगे के तीसरे मोती में से निडल। इस तरह तो इस तरह हमारा दिखेगा
से। तो हमें लास्ट तक इसे ही कंप्लीट करना है। हर बार हमें 3 मोती लेने हैं और आगे के 2 मोती छोड़ के ये तीसरे मोती में से निडल लेनी है इस तरह। तो चलो हम लास्ट तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। हर बार 3 मोती लेकर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से निडल लेंगे और ये सामने तक लेंगे। यहाँ हमने जो लास्ट में 3 मोती लिया है वहाँ तक हमें लेनी है, क्योंकि अब हमें ये जो हमारा अलग रहता है उसे हम सेट कर लेंगे चारों ओर। तो हमारा जो ये तीसरा मोती है बीच का, सॉरी दोनों साइड एक एक मोती छोड़ के इसे यहाँ से यहाँ लेंगे और फिर आगे की ओर लेंगे। फिर यहाँ से हर बार हमें ये बीच का जो मोती है उसमें से लेकर ही जाना है इस तरह। इस तरह ही हमारा पूरा राउंड हो जाएगा और ये हमारी लाइन हिलेगी नहीं। तो इस तरह ये हमारा बन गया है। अब हम यहाँ एक मोती ले लेंगे। तो ये जो हमने 2 नंबर के मोती लिया था 2 mm का, वो लेंगे थोड़ी जगह छोड़ के और यहाँ एक बीच में निडल लेंगे। फिर वैसे ही एक मोती लेंगे फिर जो हमारे जो 0 साइज का मोती है वो लेंगे हम। तो इस तरह पूरा राउंड आ जाए इतने मोती हम ले लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 12 मोती आया है। तो हम रिटर्न आगे के 6 मोती तक निडल ले लेते हैं। तो यहाँ से आगे ले लेते हैं। यहाँ आप चाहे तो यहाँ ये जो हमने एक सर्कल बनाया वैसे ही दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बना रही हूँ। और फिर हमने जो 2 mm का मोती लिया था वो लेंगे एक इस तरह। अब हम यहाँ पाग में साथ ही लूम बना लेंगे। तो पहले हमें जो ये बड़ा मोती लिया था 4 mm का वो लेंगे एक और फिर हम इस तरह ये 7 मोती और एक 2 mm का और एक फिर छोटा मोती।
और फिर हमें ये छोटा मोती छोड़ के आगे के सारे मोती में से नीडल ले लेनी है रिटर्न ये बड़े मोती तक। हमें इसे ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, सिर्फ नॉर्मल ही सेट करना है। और फिर यहाँ से और फिर ये बड़ी वाली मोती में से रिटर्न, तो इसी तरह हम दो और लेयर बना लेते हैं। इसी तरह लेकर रिटर्न और फिर यहाँ एक बार और फिर रिटर्न, इस तरह हम तीन बार बना लेते हैं। तो इस तरह मैंने तीन बार लेकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो ये हमारी पाक बन के रेडी हो गई है। आप चाहे तो यहाँ तीन के जगह चार पाँच छः आपकी पसंदगी मुजब जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो चलो हम यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी पाक बन के रेडी हो गई है। आप चाहे तो इस तरह यहाँ मोरपंख भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा अपने लड्डू गोपाल को अपने ठाकुर जी को। इस तरह मैंने ये येलो कलर में भी बनाया है। इसी तरह अगर आप दूसरी पैटर्न में भी बनाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, तो मैं आपको दूसरी पैटर्न में भी बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।